अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कीमा के हम बनाएंगे शामी कबाब। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास किलो के बराबर बीफ कीमा था, जिसको हमने धो लिया और इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया। साथ ही यहाँ पर हमारे पास प्याज है, एक मीडियम साइज़ का हम प्याज लेंगे। और साथ ही हमारे पास अदरक का एक टुकड़ा है जो हम डालेंगे। लहसुन की कलियाँ हैं 6 से 7 जो हम डालेंगे। लाल मिर्च जो है सूखी वाली वो हम इसमें लेंगे 4 से 5, और ग्रीन जो मिर्च है इसको भी हम लेंगे 3। ये अपने टेस्ट के मुताबिक, आप जितना भी, अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो तेज़ आप इसमें डालिए, ज़्यादा कर दीजिए। अगर कम खाते हैं तो आप इसमें 1 या 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें लेंगे सूखा धनिया जो था, इसका पाउडर हम लेंगे 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे। नमक टू टेस्ट लेंगे। हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे। अगर आपके पास हरी मिर्चें या सूखी मिर्चें नहीं हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है 2 टीस्पून जो है वो आप इसमें डाल सकती हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक आप डालिए। साथ ही यहाँ पर हमारे पास 1 कप के बराबर, 1 कप का साइज़ आप देख लीजिए, 1 कप के बराबर हमारे पास चने की दाल है। इसको हमने भिगो देना है गर्म पानी में। 10 मिनट पहले आप इस दाल को भिगो दीजिए, और साथ ही इसमें जाएगा पुदीना और धनिया जो है वो हम इसमें डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले काम जो करते हैं वो हम दाल को भिगो देते हैं, और साथ ही इसमें इसको पकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पानी का 2.5 कप जो है हम इसमें पानी डालेंगे इसमें, ताकि ये जो कीमा और दाल है ये हमारी पक जाए। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो काम करना, खुले मुंह वाला हमने कोई भी देगची लेनी या पैन अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। पानी हमने डाल दिया, गैस को हमने ऑन कर दिया, और साथ ही जो हमने आपको प्याज, हरी मिर्चें और लहसुन बताया था, साबुत ही हमने ये सब चीज़ें जो हैं इसमें डाल देनी है। दाल हम डाल चुके हैं, प्याज भी हमने डाल दिए, रब से करके हमने प्याज डाल देने हैं। कटिंग जो थी हमने रफ की थी, क्योंकि ये 2 स्टेप में जो शामी कबाब हैं ये हमारे तैयार होते हैं। सबसे पहले हम इनको पकाएंगे, उसके बाद हम इनको ग्राइंड करते हैं। और साथ ही हम इसमें देखें हरी मिर्चें भी चली गई, सूखी मिर्चें भी हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि इनमें जो सूखी वाली मिर्चें हैं इनका टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अब बारी आती है मसाले की, तो हम साथ ही मसाला भी और कीमा भी हम साथ ही डाल देते हैं। अब यहाँ पर देखें चने की दाल, कीमा, प्याज, हरी मिर्चें, सूखी लाल मिर्चें, लहसुन और अदरक, और साथ ही हमने मसाला जो था वो तमाम हमने इसमें डाल दिया। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको पकने के लिए रख देंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने पकने के लिए रख दिया। आंच को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, मीडियम आंच हमने रखनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से ये पकता रहे। सब चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है ये देखिए पकने लग गई हैं, और इनको हमने तब तक पकाना है जब तक कि दाल और कीमा जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए, पक ना जाए, और इसका ये तमाम पानी जो है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। अच्छे तरीके से हमने इन दोनों चीज़ों को, इन सब चीज़ों को हमने बिल्कुल ड्राई करना है, क्योंकि ड्राई करने के बाद ही हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद जो है हमारे मज़ेदार से शामी कबाब जो हैं वो हमें तैयार करने हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है काफ़ी हद तक जो है ये ड्राई हो गया, और दाल और जो कीमा हमने इसमें डाला था ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया। यहाँ पर अगर आप इस काम को जल्दी करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर में भी डालकर सेम इसी तरह जिस तरह हमने आपको बताया, आप यहाँ तक जो अमल हमने किया ये आप कर सकते हैं प्रेशर में भी। लेकिन अगर आप प्रेशर में डालेंगे तो पानी जो है आप इसमें कम डालिएगा, 1.5 गिलास पानी आप डालेंगे, ताकि प्रेशर में जो है वो बड़ी जल्दी हो जाता है। हमने इसको खुले बर्तन में किया तो इसलिए हमने पानी जो था इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था। अब इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करना है। जी हाँ, ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि इसमें अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है, लेकिन अभी हम इसको तेज़ आंच करके अब हम इसको ड्राई कर लेते हैं, और इसके बाद जो है हमने इसको ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर ये देखें शामी कबाब के लिए जो हमने कीमा और चने की दाल को तैयार किया था ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह का ये देखें बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा करेंगे, और उसके बाद जो है हम इनको ग्राइंड करेंगे। अब यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को जो हमने शामी कबाब के लिए तैयार किए थे इनको हम ग्राइंड करते हैं। इसमें देखें हमने ये तमाम जो मिक्सचर था इसको डाल दिया। साथ ही हम इसमें देखें जो हमने आपको पुदीना, धनिया और हरी मिर्च जो थी 1 अदद हमने बचा के रख ली थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और साथ ही हम 1 अदद
अंडा जो है वो हम इसमें डाल देंगे। कुछ लोग जो है वो अंडा ऊपर से लगाते हैं, लेकिन हम इसमें अंडे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब यहाँ पर ये ग्राइंड हो गया, अब हम इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने शामी कबाब जो थे वो तैयार कर लिए। थोड़ा सा पानी आपने हाथों पे लगाना है और इस तरह अपने कबाब जो है ये तैयार कर लेने हैं। इसी तरह अगर आप इनको सेव करना चाहते हैं तो आप इन पर पेपर लगा के इसको आप किसी भी बैग में डालकर आप इनको फ्रीज कर दीजिए, और जब दिल चाहे आपका आप शामी कबाब जो है इनको बनाएं और इनको जो है आप फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए कबाब जो है वो फ्राई कर रहे हैं। थोड़े से ऑयल में हम इसको डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे और मज़ेदार से शामी कबाब जो है ये हमारे तैयार हो जाते हैं। रेसिपी बहुत ही आसान थी, हमने आपके साथ जो शेयर की, उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे और अपनी फैमिली के साथ आप इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन हाँ, जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर हमारा पेज है जिसपे हमारी बहुत ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन जो है, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो हमारे पेज पर मौजूद होती हैं। प्लीज़ आप उनको भी एक नज़र चेक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके लिए आपको जो बेल है उसको भी आप हिट कर दीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी पेज पर, यूट्यूब पर। अल्लाह हाफिज़।